कि 2024 का चुनाव हम जीतने जा रहे हैं। और मैंने ये भी कहा गठबंधन की तरफ से, अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इस प्रकार का एक मजबूत गठबंधन हमने बनाया है। लगभग सभी नेताओं ने इस चर्चा में पार्टिसिपेट किया है, अपने विचार भी व्यक्त किए हैं, कुछ सुझाव भी दिए हैं। प्रमुख नेता आपसे डायलॉग करेंगे, उसके बाद आपके सवाल बहुत ही सिलेक्टेड सवाल के जवाब दिया जाएगा, लेकिन ये आधा घंटे के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चलेगी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। कमिटी का पूरा जो ब्यौरा है या पूरी कमिटी है उसका लिस्ट आपको दी जाएगी, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेन कमिटी है कोऑर्डिनेशन कमिटी, 14 मेंबर, सिर्फ उसके नाम मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ। श्री के सी वेणुगोपाल इंडियन नेशनल कांग्रेस, श्री शरद पवार जी एनसीपी, श्री टी आर बालू डीएमके, श्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा, श्री संजय राउत शिवसेना, श्री तेजस्वी यादव आरजेडी, श्री अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, श्री राघव चड्डा प्रिंट आउट ऑलरेडी गिवन, मुझे लगता है अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अभी यू आर नॉट रिसीव, तो ठीक है, तेजस्वी यादव आरजेडी, अभिषेक बैनर्जी टीएमसी, राघव चड्डा आप, जावेद अली खान समाजवादी पार्टी, लल्लन सिंह जनता दल यूनाइटेड, डी राजा सीपीआई, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती पीडीपी, सीपीआईएम का नाम आ जाएगा, लेकिन बाकी जो कमेटी के जो नाम है आपके पास आ जाएंगे। मैं अब आज के जो स्पीकर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष हमारे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कि आप, सॉरी नाम तो आपने दिया है, मैं इस आज के इंडिया बैठक के होस्ट, दो दिन से जो आप देख रहे हो ये पूरा मीटिंग का लीडरशिप, पहले रेजोल्यूशन आप कर रहे हो, जो रेजोल्यूशन आज के बैठक में हुए है, जो पॉलिटिकल रेजोल्यूशंस है, उस बारे में आदित्य ठाकरे जी आपको बताएंगे। नमस्ते, जय हिंद। आज इंडिया पार्टीज ने 3 रेजोल्यूशंस पारित करे हुए हैं, उसको मैं पढ़ के दिखाता हूँ। पहला रेजोल्यूशन ये है कि वी द इंडिया पार्टीज हियरबाय रिजॉल्व टू कंटेस्ट द फोर्थकमिंग लोकसभा इलेक्शंस टुगेदर एज फार एज पॉसिबल। सीट शेयरिंग अरेंजमेंट्स इन डिफरेंट स्टेट्स विल बी इनिशिएटेड इमीडिएटली एंड कंक्लूडेड एट द अर्लीएस्ट इन अ कोलैबोरेटिव स्पिरिट of give and take. Dusra resolution ye hai, we the India parties hereby resolve to organize public rallies at the earliest in different parts of the country on issues of public concern and importance. Aur teesra resolution ye hai, we the India parties hereby resolve to coordinate our respective communications and media strategies and campaigns on the theme of Judega Bharat, Jeetega India in different languages. Thank you. Jai Hind. मैं इस इंडिया मीट के होस्ट शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे जी से विनंती करूंगा कि आप ओपनिंग रिमार्क्स शुरुआत करें। इंडियाच्या
तिसऱ्या मीटिंगसाठी देशभरातून आलेल्या सर्व मातब्बर आणि मान्यवर नेत्यांचं मी स्वागत करतो और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज तीसरी मीटिंग संपन्न हुई और दिन ब दिन इंडिया मजबूत होते जा रहा है। ये बात भी सच है कि जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं, एक कदम 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इंडिया के विरोधी दल में घबराहट हो रही है। पहले हमें पूछा जा रहा था कि विपक्ष की एकजुट, और उसी वक्त हमने कहा था कि विपक्ष की एकजुट में नहीं मानता, हम सारे लोग देश प्रेमी हैं और हमारी एकता देश प्रेमियों की एकता है, और हमने हमारे अलायंस का जो नाम लिया है इंडिया, तो अब इंडिया के विपक्ष, इंडिया के विरोधी जो है आप सभी जानते हैं वो कौन है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमिटीज बनाई गई, और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे। और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे, और वो इसलिए कि मैंने बंगलोर में कहा था कि भारत मेरा परिवार है, हम सब भारतीय हैं तो सारा भारत मेरा परिवार है। परिवारवाद की अगर बात करें तो भारत परिवार छोड़कर इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक नारा होता है, मैंने भी सुना था उस वक्त, सबका साथ सबका विकास। चुनाव जीतने के बाद जितने भी जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे, और ये लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाएगी। पूरी जनता जो गरीब है, एक डर है, मन में डर है, क्या होगा, अब सेशन होने जा रहा है, क्यों बुलाए हैं, क्या होगा, आधी रात कुछ एक घोषणा हो जाती है, आज से ये बंद, आज से ये चालू, तो ये जो डर है, सब लोगों को हम एक विश्वास दिलाना चाहते हैं कि डरिए मत, भयमुक्त भारत, भयमुक्त भारत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा आए हैं। और मुझे पक्का विश्वास है आप सभी तो साथ में हैं, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, आपके माध्यम से बहुत सारी खबरें हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कहाँ कहाँ कैसे अत्याचार हो रहा है, और सरकार जो है कुछ नहीं कर रही। एलपीजी गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता जरूर किया, लेकिन 2014 में उसकी जो कीमत थी उसके बाद आज तक कितनी कीमत, कितना दाम बढ़ाया गया था, वो लोगों के समझ में आ गई ये बात। गैस सिलेंडर 200 रुपए से सस्ता किया, लेकिन बीच में 1000 रुपया महंगा किया, मतलब 5 साल लूट और इलेक्शन के वक्त छूट, तो ये सारी नीति अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर सस्ता किया लेकिन उसके ऊपर पकाएंगे क्या, दाल महंगी होती जा रही है, चावल ये वो सब रसोई की चीज़ें वो महंगी होती जा रही है, तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, इस विषय पर हम सारे एकमत होकर लड़ेंगे। और जो हमने नारा दिया है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, वो इंडिया और भारत को हम जिताएंगे, जरूर जिताएंगे, और ये लड़ाई सिर्फ हम लोगों की नहीं, आप सभी की और देश के हर नागरिक की है, और सबको इस लड़ाई जीतने के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।